आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखेंगे, यानी कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, हार्ट बीट का जो रेट होता है उसका रेगुलेशन कैसे होता है ये देखेंगे। ये दो तरह से होता है, दो मेकानिज़म हैं जिनके चलते ये हार्ट का जो रेट है, जो बीटिंग का रेट है, वो रेगुलेट होता है। पहला है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा है हार्मोनल रेगुलेशंस। न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है कि ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो ब्रेन का पार्ट है वहाँ से ये जुड़ी होती हैं, हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स से नर्व्स वहाँ पर जुड़ी होती हैं। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यहीं पर कार्डियक सेंटर होता है, ये कार्डियक सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं कार्डियो इनहिबिटर पार्ट और कार्डियो एक्सेलरेटर पार्ट। कार्डियो इनहिबिटर यानी कि वो डिक्रीजेस हार्ट बीट, वो पार्ट जो हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, और कार्डियो एक्सेलरेटर यानी कि वह पार्ट जो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो दोनों पार्ट हैं, कार्डियो इनहिबिटर पार्ट और कार्डियो एक्सेलरेटर पार्ट, ये नर्व सेंसरी नर्व्स से जुड़े हुए होते हैं हार्ट से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एओर्टा से ये नर्व निकली हुई है, ये भी एओर्टा से निकली हुई है, और ये कैरोटिड आर्टरी जो है, दोनों कैरोटिड आर्टरी का जो पार्ट है ऊपर का कैरोटिड साइनसेस जहाँ पर हैं, यहाँ से सेंसरी नर्व्स निकलकर मेडुला ऑब्लोंगेटा तक जाते हैं, और ये सेंसरी नर्व सुपेरियर वेना केवा से निकलकर मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ जाता है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो डॉटेड दो लाइंस दिख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस सेंसरी मोटर्स हैं, सेंसरी मोटर्स। यहाँ आप देखिए कि एक ये यहाँ से निकल के आया है, और ये ऐसे नोड और ए भी नोड के पास, इस आगे आकर इसके दो ब्रांचिंग हो गए हैं, एक ऐसे नोड और दूसरा ए भी नोड के पास चला गया है। इसको कहते हैं वेगस नर्व, ये पारासिम्पैथेटिक नर्व होता है, पारासिम्पैथेटिक नर्व ये है, और एक सिम्पैथेटिक नर्व निकलता है जो ऐसे नोड के पास जुड़ा हुआ होता है। ये मोटर नर्व्स हैं, और ये चार पहले जो हमने बताया वो क्या है, वो सेंसरी नर्व्स हैं। ये डॉटेड लाइंस सेंसरी मोटर्स हैं, दो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं, एक ये आके जुड़ा है कहाँ पर, ऐसे नोड, और इसकी ब्रांचिंग ए भी नोड से जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं वेगस नर्व। कार्डियो इनहिबिटर पार्ट से जुड़ी हुई होती है, मतलब कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने का काम करेगी, और दूसरा है जो ये सिंपैथेटिक, पहला जो है वेगस नर्व जो है वो पारासिम्पैथेटिक है, और ये जो सिंपैथेटिक नर्व एक देख रहे हैं तो ये क्या करेगी कि ये एक्सेलरेटर पार्ट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, तो जो भी इम्पल्सेस एओर्टा से, यहाँ एओर्टा से सेंसरी नर्व जा रहा है और कैरोटिड साइनसेस से जा रहे हैं नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, तो ये दोनों मतलब कि एओर्टा से और कैरोटिड साइनसेस से जो भी इम्पल्सेस मेडुला ऑब्लोंगेटा में रिसीव्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते, हार्ट रेट को घटाते हैं। जबकि ये वेना केवा से, वेना केवा सुपेरियर वेना केवा से जो एक सेंसरी नर्व जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, इस तरह से ये काम करता है। दूसरा है कि हार्मोनल रेगुलेशन,
हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में एक तो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एड्रिनलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। दो हार्मोन वहाँ से सिक्रीट होते हैं, एक एड्रिनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों ही सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले ये दो हार्मोन्स एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रिन भी इसको कहते हैं, और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन भी इसको कहते हैं। ये दोनों हार्ट रेट को प्रभावित करते हैं। ये जो नॉर एड्रिनलिन है यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन, ये एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में ये हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है, और जो एड्रिनलिन है यानी कि एपिनेफ्रिन, ये इमरजेंसी के टाइम में ये हार्ट को रेगुलेट करता है। कुछ विशेष परिस्थितियां जब आती हैं तो इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है या घट जाता है, तो ये करता है कौन सा, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। और ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये एसए नोड जो है यहाँ पर साइनो एट्रियल जो नोड है उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, और इस तरह से ये हार्ट रेट को प्रभावित करते हैं। दूसरा हार्मोन इम्पॉर्टेंट है एक थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये क्या करता है, थायरॉक्सिन जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है सेल का, पूरे बॉडी सेल्स का जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है उसको ये बढ़ा देता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के चलते क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है, और ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए ये ज़रूरी है कि हार्ट बीट बढ़ जाए। हार्ट बीट बढ़ेगा तब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाया जा सकेगा बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरह से थायरॉक्सिन भी हार्ट रेट को प्रभावित करता है। तो इस तरह से कार्डियल एक्टिविटी यानी कि हार्ट रेट का जो रेगुलेशन है वो न्यूरल रेगुलेशन से भी होता है और हार्मोनल रेगुलेशन से भी होता है। थैंक यू।